दोस्तों स्क्रीन पे आप जिस मशीन को देख रहे हैं इसे यूनिवर्सल टैपिंग मशीन कहते हैं। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रेलवे में इस मशीन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब रेलवे के ऊपर से ट्रेन गुजरती है और रेलवे ट्रैक नीचे धंसने लगती है। इसका कारण यह है कि जब भी ट्रैक के ऊपर से ट्रेन गुजरती है जिससे रेल के नीचे या पीछे बड़े बड़े पत्थर, दोस्तों असल में इन्हें पत्थर नहीं बल्कि रेलवे में इन्हें ब्लास्ट बेड कहते हैं। मैं आपको आसान भाषा में समझाने के लिए पत्थर बोल रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि यह क्या है तो आप कह देना इन्हें ब्लास्ट बेड कहते हैं। और जब भी ट्रेन इनके ऊपर से गुजरती है जिससे स्लीपर में दबाव बढ़ता है जिससे ये ब्लास्ट नीचे फैल जाती है और इन्हीं ब्लास्ट को वापस इनकी जगह पर लाने के लिए यूनिवर्सल टैपिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होता है, ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण और रेलवे ट्रैक को अगर कोई मजबूत सर्फेस नहीं मिलेगा तो इससे क्या होता है कि ये टूट सकती है। रेलवे ट्रैक टूट सकती है अगर इन्हें कोई मजबूत सर्फेस नहीं मिलेगा तो ये टूट सकते हैं। इसीलिए यूनिवर्सल टैपिंग मशीन का उपयोग करके इन्हें कंप्रेस किया जाता है, अपनी जगह पर ही रखा जाता है जिससे ये फैले नहीं बल्कि एक ही जगह पर रहे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए। इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को मैंने आपके साथ शेयर किए दोस्तों।